दानापुर थाना के पंचशील नगर में टेम्पो सवार अज्ञात आधा दर्जन अपराधियों ने एक एटीएम को लूटने का प्रयास किया। अपराधियों ने एटीएम मशीन को घंटों तोड़ने का प्रयास किया, मगर मशीन में रखे रुपए को लूटने में असफल रहे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मंगलवार की देर रात तकरीबन 2 बजे ऑटो से 5-6 अपराधी आते हैं। एटीएम में घुसकर अपराधी समूचे एटीएम में तोड़फोड़ करते हैं। एटीएम के परिसर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के बोर्ड को भी तोड़ डाला गया, मगर लाख कोशिश के बाद भी अपराधी एटीएम में रखे रुपए लूटने में असफल रहे। घटना की जानकारी मिलते ही दानापुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटना की पुष्टि करते हुए दानापुर थाना की एएसआई विजय कुमार ने बताया कि लूटपाट एवं तोड़फोड़ की घटना हुई है, लेकिन अभी तक ब्रांच आईसीसी के अधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त नहीं हुई है। पूरे मामले की जांच चल रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। न्यूज क्राइम 24 के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। पूरी बात बताया जाए, पंचशील नगर में एक आईसीआईसीआई बैंक का एक एटीएम है, उसी एटीएम का ताला तोड़ करके एटीएम तोड़फोड़ किया गया है और इसका जो कैमरा वगैरह है वो लूट लिया गया है। यहाँ पर आके हम चेक कर रहे थे, एक आदमी एटीएम के संचालन करने वाले या कोई उसके संबंधित स्टाफ से आए तो वहाँ थे मौजूद, उनसे पूछताछ किए तो बताया कि कैश वगैरह का बॉक्स तो नहीं टूटी है, लेकिन कैमरा का ऐसे तोड़ दिया है, ऊपर का जो कीबोर्ड वगैरह होता है, डिस्प्ले वगैरह जो होता है वो सब तोड़ दिया है। कितना की लूट हुई है? लूट के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। आवेदन प्राप्त है? आवेदन कोई प्राप्त नहीं है। आसपास सीसीटीवी को? आसपास में सीसीटीवी एक बगल में मकान में है, जिस मकान में गए हम सीसीटीवी का अवलोकन करने के लिए तो मकान मालिक ने बताया कि हमका यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन ऑपरेट हम नहीं करते हैं। ऑपरेट करने वाले लोगों को बुलाया गया है, आते हैं तो सीसीटीवी कैमरा खंगाल कर देखा जाएगा। प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है, एटीएम किस चीज़ से काटी गई होगी? वो रड वगैरह से काटा होगा, अपना रड वगैरह काटा होगा। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम एसआई विजय कुमार।